ये विमेन सेक्शन में मैंने अपने लिए बस चार मंगाए थे. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन सेक्शन. हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, हाय, दिस इज अविनाश. आज की वीडियो, ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट वीडियो है. एंड टाइटल्स तो आपको पता चल ही गया होगा ऑब्वियसली कि बॉन्कर्स कॉर्नर की हॉल है. तो यस, दिस इज बॉन्कर्स कॉर्नर हॉल. एंड इसमें दोनों मेन एंड वीमेन दोनों के कपड़े मंगाए हैं, तो आधे मेरे हैं एंड आधे भाई के हैं. तो वो भी मैं ये वीडियो में शो करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी जन जो लड़के हैं वो भी देखते हैं. एंड बहुत भैया वगैरह भी हैं मेरे जो, उन लोग भी ये वीडियो देखते हैं. तो ये वीडियो उनके लिए भी है एंड उनके लिए भी थोड़ी यूजफुल हो, इसलिए मैंने फीमेल एंड मेल दोनों सेक्शन से कपड़े ऑर्डर किए हैं. एंड ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये न्यू सेटअप कैसे लगा. एंड ये सेटअप मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनको मीन्स कपड़े अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, उनकी फ्रंट साइड नहीं दिख रही है, उनकी बैक साइड नहीं दिख रही है. तो चलो, वो आई एग्री कि मैं उसमें अच्छे से शो नहीं कर पा रही थी, बट मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस वे. एंड इसमें आपको तो ऑब्वियसली आगे की भी पूरी अच्छे से दिख रही है एंड पीछे की भी नो डाउट पूरी अच्छे से दिख रही है. तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा नया सेटअप कैसे लगा. एंड बॉन्कर्स कॉर्नर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. तो ये मेरा सेकेंड हॉल होने वाला है ये चैनल में. एंड बॉन्कर्स कॉर्नर, ओ माय गॉड, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है, इफ यू गाइस कैन सी, ये भी बॉन्कर्स कॉर्नर से है. एंड मेरी आधी सी ज्यादा क्लोजेट बॉन्कर्स कॉर्नर के कपड़ों से ही भरी है, क्योंकि पहली चीज तो दे आर वेरी अफोर्डेबल, उनके कपड़ा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, ड्यूरेबल भी है. एंड ये मेरे पास ऑलमोस्ट, मैंने लास्ट वीडियो कब डाली थी मेरे को याद भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट एक साल होने जा रहा है मेरे को ये कपड़े को, बट ये कपड़ा सेम वैसा का वैसा ही है. तो इतना कहने के बाद लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो द फर्स्ट आइटम दैट वी हैव इज दिस ओवरसाइज्ड टी शर्ट. तो पहली बात, मैं जितने भी टी शर्ट मैंने ऑर्डर की है ना, उन सब पे मेरी नज़र काफ़ी टाइम से थी, काफ़ी टाइम से थी. तो फाइनली मैंने ले ली एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट वन लुक्स. आई होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो टी शर्ट को. मैं पहन के भी ट्राई ऑन हॉल भी करूंगी, पहले मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं पहन के आऊंगी. ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड. एंड ये पीछे से डोनल्ड लेग बनी हुई है, वो कितनी क्यूट है. ये एक्चुअली इसका साइज है, ये स्मॉल साइज में है. तो ये तीनों जो है, इसको छोड़ दो, ये और ये जो है टी शर्ट, ये दोनों 2X थे ओवरसाइज्ड टी शर्ट के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ उन लोगों ने मेंशन किया था. तो मैं यूजुअली ओवरसाइज जो टी शर्ट होती है मैं मीडियम साइज पहनती हूँ. ये भी जो मैंने पहनी है वो भी मीडियम है, बट दिस इज इन साइज S. तो मैं पहन के आपको दिखाती हूँ भाई. ओके गाइस, तो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई लव द वे इट टर्न आउट टू बी. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. ये ओवरसाइज की डबल है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कितनी बड़ी आ रही है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रही है. एंड इसका मटेरियल भी कॉटन है एंड ये गर्मी में आप आराम से पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि मोटा कपड़ा है, नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है. इसकी फ्रंट साइड ऐसे है एंड बैक साइड है, लेट्स शो यू गाइस, बहुत क्यूट लग रहा है. आप लोग इसको डेनिम्स के साथ भी पहन सकते हो एंड ब्लू लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हो. एंड ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिख रहा है, सॉरी, बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहा है. इसका एक्चुअल प्राइस था 1599, बट ये मेरे को मिला 999 में एंड ये स्मॉल साइज में है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. वाओ, इस पे भी मेरी नजर काफी टाइम से थी, काफी टाइम से, मतलब जब से लॉन्च हुआ था ना तब से मेरी नजर इस पे थी. एंड वाओ गाइस, आगे मैं ऐसे ये नंबर प्रिंट किया हुआ है 28 मिक्की माउस established in 1928 and पीछे में मिकी की फोटो बनी हुई है वो. So it looks, I hope you guys can see and आप लोगों को बहुत क्लियर व्यू मिल रहा होगा. This is how it looks. Wow, दिल खुश कर दिया. Let me try it. Ta-da!
ये भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। हाय, साइज भी ठीक है बट थोड़ा ज्यादा ओवर साइज है, नेवर माइंड। इसका ये वी नेक दिया हुआ है एंड ये स्लीव्स भी काफी बढ़िया गई, नेवर माइंड। ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, ये पहनावा भी बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। इसका फ्रंट साइड ऐसा है सिंपल एंड इसका बैक साइड वाओ। ये मेरे को इसका एक्चुअल प्राइस था 1499 बट ये भी मेरे को 999 में ही पड़ा। आई गेस उनकी कुछ सेल वगैरह कुछ चल रही है ऐसे कुछ, तो मोस्टली सब प्रोडक्ट में 30% ऑफ था। तो फटाफट आप लोगों को अगर इसमें से कुछ भी पसंद आए तो वीडियो पॉज करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ स्टॉक। ओके, तो हाँ, इट्स इन साइज स्मॉल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज दिस टी शर्ट। चलो, जर्सी नॉट टी शर्ट, ठीक है। पहली बात, आगे का उतना खास नहीं है बट पीछे पीछे में इसके प्रिंट जो दिया हुआ है ना, वाओ, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है इसका प्रिंट। चलो लेट मी ट्राई दिस। सॉरी। ओके, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका आगे साइड तो पूरा सिंपल है एंड इसकी भी लॉन्ग स्लीव्स है, वी नेक है। ये सब जितने भी आपको मैं दिखाऊंगी आगे एंड जितनी मैंने दिखाई है सब कॉटन मटेरियल में ही है एंड इसका आगे ऐसा दिखता है एंड पीछे तो दिस वॉज ऑल्सो फॉर 1499 बट आई गॉट इट इन 999 एंड ये मीडियम साइज में है क्योंकि ये जो मैंने मंगाई थी ये ओवर साइज की भी ओवर साइज थी बट दिस इज नॉर्मल ओवर साइज, तो मैं नॉर्मल में मीडियम साइज ही पहनती हूँ तो आई गॉट इट इन मीडियम साइज। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। इट्स नॉट अ टी शर्ट, इट्स अ स्वेट शर्ट एंड इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा। इट्स इन पेस्टल ब्लू कलर एंड सबसे मस्त चीज इसकी आ गई है, पूरा सिंपल है बट पीछे का प्रिंट, दिस इज हाउ इट लुक्स। क्या है, लीलो एंड स्टिच, पता नहीं, मैं कार्टून में मैंने देखा है बट ये कौन है मैं नहीं जानती। आई एम सो सॉरी, अगर आप लोगों को पता तो मेरे कमेंट में जरूर बताना। एंड ये स्वेटशर्ट काफी थिक मटेरियल है, ये ऑब्वियसली गर्मी में तो नहीं पहन सकते। ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया अपने लिए, विंटर्स के लिए परफेक्ट है बट मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड फ्रंट साइड इसकी पॉकेट दी हुई है बट एक चीज ये मेरे को टाइट आ रही है, वेस्ट से भी टाइट है एंड गले से भी बहुत ज्यादा ही टाइट है। मैंने मॉडल का साइज उसमें था, आई गेस मॉडल की हाइट थी 6 एंड उसने स्मॉल साइज पहना था तो मैं 5'8" हूँ तो मैंने मीडियम साइज अपने लिए ऑर्डर किया बट ये मेरे को टाइट हो रही है, काफी ज्यादा टाइट है। तो आई थिंक मैं XL साइज लूंगी या L लूंगी क्योंकि लार्ज भी थोड़ा टाइट हो सकता है मेरे को। मेरे भाई ने भी सेम स्वेटशर्ट मंगाई थी, उसने आई गेस मंगाई थी लार्ज साइज में, तो अगर होगा तो मैं ये चेंज करके XL मंगा के अपने भाई को दे दूंगी एंड जो लार्ज होगी वो मैं रख लूंगी। बट ओवरऑल इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा गर्म है, मेरे को अभी पसीना आ रहा है बहुत ही ज्यादा एंड ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है। इसका आगे ऐसे दिख रहा है बेटा। अच्छा हाँ, वन चीज ये, ओह माय गॉड गर्मी लगी है, ये हुडेड है ऐसे, फ्रंट साइड पूरा प्लेन है एंड पीछे दिखा। ओके, आई होप आप सब देख पा रहे होंगे कि इसका बैक साइड कैसे लग रहा है। ओके, सो तो मैं इसका प्राइस बताना भूल गई। इसका एक्चुअल प्राइस था 1999 2000 एंड ये मेरे को मिला है 1699 में एंड मैं फॉर श्योर ये दो साइज, एक साइज भी नहीं दो साइज अप करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप लोग भी ऑर्डर कर रहे हो, आप लोग का नॉर्मल साइज अगर आप लोग पहनते हो L, तो गो फॉर XL क्योंकि ये टाइट हो सकता है आप लोग को।
सो ये विमेन सेक्शन में मैंने अपने लिए बस स्टार मंगाए थे. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन सेक्शन. मैं इसमें से कोई भी टी शर्ट पहनूंगी नहीं क्योंकि ये मेरे भाई की है. मैं खाली आप लोग ऐसे दिखा दूंगी नॉर्मली. तो द फर्स्ट टी शर्ट इज दिस वन समुराई, जो कि पता नहीं मेरे भाई को क्या देख के अच्छी लगी, बट इट्स इन येलोइश कलर में. येलोइश टोन है इसका, मतलब बेज कलर नहीं है या फिर ऑफ वाइट नहीं बोल सकते, येलोइश टोन है. एंड ये फ्रंट से ऐसे दिख रही है एंड इसकी बैक साइड ऐसे है. तो फॉर योर रेफरेंस, मेरा भाई 6'1" है एंड ही इज ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 80 kgs एंड उसकी वेस्ट है 34. तो उसने अपनी सारी टी शर्ट्स एल साइज में मंगाई है एंड उसने अपने लिए एक ये टी शर्ट भी मंगवाई है सेम ऐसी एंड ये सेम स्वेटशर्ट भी मंगाई है जो कि उसको भी टाइट हो रही है. तो वो भी एक साइज अप जाएगा अपने लिए भी. ओके सो इसका एक्चुअल प्राइस था 999, बट ये 699 की पड़ी हम लोग को. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज दिस टी शर्ट, जो कि लिटरली गगन ने ये तीसरी बार ऑर्डर की है. पहली बार जो ऑर्डर की थी वो उसने एक्सेल में ऑर्डर कर दी थी, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा लूज हुई थी, तो उसने ये मेरे मामा जी को दे दी. ओके देन उसने सेकेंड टाइम एक साइज छोटा करके ऑर्डर किया था, वो उसने घर में पहन पहन के तहस नहस कर दी उसकी. नाउ ये तीसरे टाइम अपने लिए मंगा रहा है. इसका एक्चुअल प्राइस था 899, बट ये पड़ी हम लोग को 599 की. ये भी एल साइज में है एंड ये पीछे से पूरी प्लेन है एंड आगे से खाली डिजाइन है. एक तरफ स्कल बना हुआ है, एक तरफ लिप्स बने हुए. आई डोंट नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज दिस टी शर्ट. एल साइज में है एंड इसका फ्रंट पूरा प्लेन है, बट पीछे वेजेटा जो भी आई एम सॉरी. तो जो एनिमल लवर है उनके लिए ऑब्वियसली ये परफेक्ट टी शर्ट होगी. एंड ये पीछे से इतनी क्यूट दिख रही है ना सी. एंड ये नेवी ब्लू कलर में है, ये भी प्योर कॉटन में है एंड इट वॉज फॉर रुपीज 1199, बट ये हम लोग को पड़ी 799 रुपीज की. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज दिस टी शर्ट, जो कि मार्वल सीरीज की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ मार्वल सीरीज की है ये एंड फ्रंट साइड में खाली एक तरफ इसका ग्राफिक दिया हुआ है एंड पीछे तरफ वाओ दिस इज हाउ इट लुक्स पीछे से. एंड इसका ग्राफिक बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. ये भी एल साइज में है एंड इसका एक्चुअल प्राइस था 1299, बट ये हम लोग को पड़ा 799 रुपीज का. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव इज दिस वेनम टी शर्ट एंड ये पीछे से पूरी प्लेन है, पूरी प्लेन है. इसका एक्चुअल प्राइस जो था वो था 1299 एंड ये हम लोग को पड़ी 799 की. ये भी लार्ज साइज में है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. मूविंग ऑन टू द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल. तो ये है पोलो, ब्लैक पोलो स्वेटशर्ट, जो कि एक्चुअल प्राइस है इसका 1499, बट ये पड़ी हम लोग को 1199 की. एंड ये उसने मंगाई एक्सेल साइज में क्योंकि उसका साइज अवेलेबल नहीं था. एंड ये टी शर्ट स्वेटशर्ट काफ़ी ज़्यादा थिक मटेरियल में है. ये 60% कॉटन प्लस 40% पॉलिस्टर की है. पूरी प्लेन है ये, कुछ डिटेलिंग वगैरह नहीं है, लॉन्ग स्लीव्स है. पीछे में इन लोग ने खाली अपना बॉन्कर्स का स्टिकर लगाया हुआ है, दैट्स ऑल. एंड ये काफ़ी थिक मटेरियल है, काफ़ी थिक मटेरियल, परफेक्ट फॉर विंटर्स. गर्मी में नो चांस, परफेक्ट फॉर विंटर्स. तो इसमें से खाली मेरी ये जो हुडी थी वो एंड ये स्वेटशर्ट, ये खाली ठंड के लिए है. बाकी आप लोगों ने जितनी भी टी शर्ट्स वगैरह देखी है सबके सब गर्मी में आप आराम से पहन सकते हो. एंड ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल नहीं बोल सकती ऑब्वियसली क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली है, मीन्स अबव 699 की है. तो अफोर्डेबल नहीं बोल सकते हैं, बट वर्थ द मनी है. इट्स टोटली वर्थ द मनी क्योंकि इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, प्रिंट क्वालिटी जो इसकी है बहुत अच्छी है. एंड मैंने टोटल 12 कपड़े ऑर्डर किए थे, तो उसमें से हम लोग को बॉन्कर्स का कुछ कूपन कोड वगैरह ऐड करके कितना 2000 आई गेस माइनस हुआ था, 2000 समथिंग माइनस हुआ.
देन प्रीपेड ऑर्डर्स में आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ हम लोग देते हैं, तो हम लोग को ये ऑलमोस्ट काफी डिस्काउंट पड़ गया विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि या वाई नॉट, डिस्काउंट किसको नहीं पसंद होता है. ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. तो मैंने दोनों मेन एंड वेमेन दोनों सेक्शन कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे चैनल को मेन एंड वेमेन दोनों देखते हैं. तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा कलेक्शन जो भाई का है एंड जो मेरा है, एंड मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यू गाइज कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ. एंड अगर आप लोग को वीडियो के बीच में कोई भी पसंद आ गई हो ना, तो आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको जाके क्लिक करके अपने लिए ऑर्डर कर देना, नहीं तो सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि उनके कपड़े बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. विद दिस द वीडियो इज गोइंग टू एंड एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट होने वाली है, क्योंकि बॉन्कर्स कॉर्नर मेरा फेवरेट 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 इंस्टाग्राम स्टोर है, जिसमें से मेरे कपड़े लेने बहुत पसंद है. आपको अफोर्डेबल रेंज में भी मिल जाएंगे, तो आप लोग इनकी साइट एक बार जाके प्लीज 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 चेकआउट कर लेना. एंड विद दिस द वीडियो इज गोइंग टू एंड. सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, एंड हाँ, कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि इन सब में से आपकी फेवरेट कौन सी है, एंड आप लोग मेरा नया सेटअप कैसा लगा, आप लोग कंफर्टेबल हो, आप लोग को आगे पीछे अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं ड्रेसेस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय.